नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक क्वेश्चन आंसर का सेशन मिस्टर एंड मिसेस कनेरिया के साथ। नमस्कार, सलाम, हेलो, सत श्री अकाल, किम छो? आई होप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो दो हफ्ते हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए क्योंकि माँ शिवरात्रि की वीडियो बनाई और परीसा की बर्थडे की वीडियो बनाई, जिससे आप लोगों ने बहुत पसंद किया और परीसा को इतने सारे विशेस आप लोग ने दिए, आप लोग के आशीर्वाद, आप लोग के ब्लेसिंग, और उसका तो दिन बन गया। थैंक यू सो मच सबको, एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। रियली शी एंजॉयड इट। आप लोग के जितना आप लोग ने प्यार कमेंट्स पढ़ के और इतना आशीर्वाद मिला उसका आप लोग ने दिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी मैं, प्लीज़ आप, ये होनेश केलानी का है, इनका कोई यूट्यूब चैनल है और ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे प्लीज़ पिन कर दें या आप लोग आके प्लीज़ मुझे प्रमोट कर दें। तो आप लोग प्लीज़ जाइएगा, विज़िट करिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें इनकी, इनका चैनल, और अगर आप लोग को पसंद आए तो, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें इनका चैनल। और इन्होंने काफ़ी इमोशनल अत्याचार किया हमारे ऊपर इंस्टाग्राम मैसेजेस के ऊपर कि प्लीज़ करें करें करें, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे पास और कुछ काम नहीं है, मेरी मदद करें। और खाली होनेश ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें मैं पिन भी कर देती हूँ और आप ये हम पिन भी कर देते हैं, और तो किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर डायरेक्ट इंटरेक्ट भी नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को, चलो अगर हेल्प हो रही है तो कर दें किसी भी तरीके से। लेकिन एक छोटा सा मैसेज होनेश के लिए भी और आप लोग जो यंगस्टर जो ये यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और उसको अपना प्रोफेशन ना बनाए, और ऐसे बहुत सारे ऐसे आते हैं कि पिन करें हमें, या हमें 500 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, हमें 10 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। मैं कोशिश करती हूँ पिन भी कर दूँ, लेकिन एक छोटा सा मैसेज है कि प्लीज़ YouTube को आप अपना प्रोफेशन मत बना लें, इसको आप एक पार्ट टाइम जॉब की तरह रखें, डू समथिंग एल्स, कुछ और भी करें प्लीज़। ये आपके खुद के लिए भी मदद होगी, आपके घर वालों के लिए भी मदद होगी, बिकॉज के अच्छा चल रहा है YouTube चैनल तो चलाएं, अच्छी बात है, गुड फॉर यू, लेकिन इसको आप पूरा अपना प्रोफेशन, एक लाइफ मत बना दें आप, क्योंकि YouTube से अर्निंग इतनी नहीं होती है कि आप सोच रहे हो कि बस YouTube चल गया तो आपका पूरी ज़िंदगी सवर जाएगी। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, और आई होप कि आप लोग इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो देंगे। चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन हम। जी हाँ, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है इरफान सुहेल से, कौन सा पाकिस्तानी सिंगर आपको पसंद है? एज अ पाकिस्तानी सिंगर मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद करता था मैं उनको, उनके गाने अभी भी सुनता हूँ, उनकी जो कवाली होती थी रियली हार्ट टचिंग होती थी। और अभी अगर जो है तो रिसेंट की बात करें तो आतिफ असलम हो गया, फिर आयमा बेग हो गई, आजकल कोक स्टूडियो के अंदर इनके गाने काफ़ी आ रहे हैं, तो रियली दे आर वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विजय क्षेत्रे से है, आपको क्रिकेट के अलावा क्या दूसरा स्पोर्ट्स खेलना पसंद है? क्रिकेट के अलावा यार हम खेलते थे ना, जब हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती थी फुटबॉल खेलते थे, तो फुटबॉल काफ़ी पसंद है खेलना, आई रियली एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। आज क्विक क्विक जवाब दे रहे हैं आप, रैपिड फायर चल रहा है। अजय कुमार से आया है, व्हिच इज योर फेवरेट गुजराती स्वीट? मोहन थार, मैं पागल हूँ मोहन थार का, मैं रियली हमारे घर पे भी था जो है तो भाभी बनाती है, इतना सारा बनाती है मीठा, तो वो मैं मोहन थार बड़ा शौक से खाता हूँ। जब हम इंडिया गए थे तो वहाँ गुजरात में भी, मैं नहीं आपकी भाभी, हाँ मेरी भाभी जो इनकी बहन है, बड़ी बहन है, हाँ, वो बड़ा अच्छा बनाती है, भाभी हमारी भाभी भी है, तो मोहन थार मुझे पसंद है रियली। इन गुजराती में स्वीट में कहीं भी जाता हूँ तो मैं अक्सर ये होता है कि यार मोहन थार खाना है, मोहन थार खाना है। और जब हम त्योहारों पे अपने घर पे बनाते हैं तो ये किसी को देने भी नहीं देते हैं, और इनके लिए अलग से डब्बा बन रहा होता है मोहन थार का, कि ये दानिश खाएंगे चाय के साथ, और ऑल द टाइम चल रहा होता है वो मोहन थार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक पांडे से, हु इज़ योर फेवरेट कमेंटेटर? कमेंटेटर रियली एंजॉयड लिसनिंग, इट वाज सर रिची बेनो,
वो अभी नहीं है दुनिया में, ही वॉज अ लेग स्पिनर ऑल्सो, लेकिन रिची बेनो की जो कॉमेंट्री थी, आई थिंक कि अभी जो रिसेंट टाइम में भी जितने कॉमेंटेटर्स आए हैं, संजय मंजरेकर, रमीज राजा, डेविड लॉयड, दे आर वेरी गुड कॉमेंटेटर्स, बट आई थिंक डैट के अगर इन कॉमेंटेटर्स को देखें आप, नासिर हुसैन हो गया, इवन इन सबको, दे ऑल केम आफ्टर रिची बेनो, और उनसे बड़ी इनको जो है एक सीख मिली है, और उनसे सीखने का मौका बहुत मिलता था। तो मैं पास में तो रिची बेनो सर का बहुत बड़ा फ़ैन भी था और मैं उनको इन्जॉय करता था। और अभी अगर रिसेंट की बात करें तो रमीज राजा हो गया, नासिर हुसैन हो गए, इनको बड़ा पसंद करता हूँ, इनकी कॉमेंट्री, इनके जो वर्डिंग होते हैं प्लेयर्स के लिए वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ओके, ऋषि दास से क्वेश्चन है, योर फेवरेट फुटबॉलर? ओनली वन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो पता नहीं, वो पसंद है टीम, वैसे फुटबॉल की अगर आप पूछे तो मैं ब्राज़ील को काफ़ी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्योंकि उनकी जो उनका गेम है, ही सो क्विक, ही टू क्विक, जो उनकी इतनी मेहनत है फुटबॉल के अंदर, और इतनी मेहनत करके उन्होंने अपना नाम बनाया है, और फिर साथ साथ फुटबॉल के अलावा भी जो उनकी खिदमात है आउटसाइड द गेम, वो बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को, ऑर्फनेज फंड बहुत करते हैं सब जगह पे, एंड ही इज़ वेरी गुड। आई थिंक सो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उसके उसकी जो प्लेइंग एबिलिटीज़ के अलावा एज अ पर्सन भी, डेट्स वाई आई लव हिम। ओके, ये जो अगला क्वेश्चन है ये बिस्व नारायण जन नायक से है, और ये हम दोनों के लिए है। ये है, सर एंड मैम, योर फेवरेट फूड? पहले आप। माय फेवरेट फूड, आई लव चाइनीज, और सी फूड का बहुत शौकीन हूँ मैं, चाइनीज को बहुत पसंद करता हूँ, और उससे उसके बाद अगर मैं कोई चीज़ पसंद करता हूँ और अक्सर फरमाइश भी करता हूँ वाइफ, शी इज़ अ वेरी गुड कुक, मैं बिरयानी खाना बहुत पसंद करता हूँ, इसके हाथ की बनी हुई बिरयानी। अच्छा, और अब मेरी बारी। हाँ बता। ओए होए, लिस्टें बहुत है मेरी तो हम खाने के बहुत शौकीन हैं और बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हमारे पाकिस्तान की बात करें तो कराची की बिरयानी यहाँ बहुत फेमस है, और हम बिरयानी भी बड़े मज़े से शौक से खाते भी हैं और बनाते भी हैं। बारबेक्यू बहुत पसंद है, और चाइनीज़ पसंद है, लेकिन सबसे जो कंफर्ट फूड है, जो हम अगर टूर पे भी पहले जाते थे या बहुत छुट्टियों के बाद घर पे आ रहे हैं या जाने से पहले, तो एक कंफर्ट फूड हमारा रहता है दाल चावल पापड़ कचूमर एंड अचार। वो तो कहीं तो भी मिल जाए, टॉप ऑफ द लिस्ट है ना वो, तो फिर टॉप ऑफ द लिस्ट है। और कुछ भी ना मिले, बस ये मिल जाए तो ये कंफर्ट फूड है हमारा। एग्जैक्टली, है ना? नो डाउट। अच्छा, ओके, अगला क्वेश्चन है दानिश, ये है ट्रेंडी विलेजर से, आप उस टाइम किस बैट्समैन को बॉल करने से घबराते थे? देखिए, एज अ बॉलर मेरे हाथ में बॉल होता था और बैट, और मेरे गुरु ने हमेशा मुझे एक एडवाइस दी थी कि जब एज अ बॉलर तुम घबराना शुरू करोगे तुम सक्सेस नहीं करोगे, लेकिन मुझे बॉलिंग करते हुए जिससे मैं रियली मुझे होता था कि यार इस बैट्समैन को आउट करना मुश्किल है और ये मारता बहुत है, वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, ये ऐसे प्लेयर होते थे कि इनको आउट करना है ना, आउट करने के लिए होता था यार जल्दी से आउट हो जाए, तो ये ऐसे प्लेयर होते थे कि इनको है ना, एक होता था क्या है, घबराहट आती थी ऑटोमेटिकली, एक बॉलर में घबराहट आती थी और मुझ में आती थी रियली, कि मैं इनको बॉलिंग करते हुए काफ़ी घबराता था कि यार इनको मैं कंटेन करूँ या आउट करूँ क्या करूँ, क्योंकि ये इतना फुट मूवमेंट इतनी ज़बरदस्त करते हैं, हर शॉट्स करते हैं, पिक कर लेते हैं बॉल को, गुगली को, फ्लिपर को, तो मुझे भी मुश्किल होती थी इनको बॉल करते हुए। हरविंदर सिद्धू से है क्वेश्चन, ऐसा बैट्समैन जिसको आप आज भी आउट करना चाहते हो इफ यू गेट अ चांस? स्टीवन स्मिथ, लेबुशेंग, विराट कोहली, रहाने, ये डेविड वॉर्नर, ये ऐसे प्लेयर है कि जिनको हम अभी देख रहे हैं रिसेंट ईयर्स में अंदर कि इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, रन्स करते रहते हैं, रनों की अंबार लगाए हुए, बॉलर्स उनको बॉल करते हुए घबराते भी है, ODI की बात करें या टेस्ट क्रिकेट की बात करें, और एक और बैट्समैन केन विलियमसन, इनको घबराते हैं, तो मैं अगर होता तो मैं अक्सर मैच देख रहा होता हूँ तो मैं मैच
एज अ एनालिस्ट करने के लिए भी देखता हूँ, और अपने आप को वहाँ रख के देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ बॉलिंग कर रहा होता इन लोगों को, तो मैं इनको कहाँ बॉल करता, कहाँ इनको मैं ट्रैप कर सकता। क्योंकि मैं अक्सर अपने बेटे के साथ मैच देख रहा होता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार ये बॉलर, ये स्पिनर को यहाँ बॉल करनी चाहिए, यहाँ पर आके ये फंसते हैं और यहाँ से फिर इनको आउट करना चाहिए। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ, ये है लव डॉग से मेरे लिए आया है। While touring with Danish, what you used to do if Danish is playing a test? जब आप टेस्ट खेलने जाते थे तो मैं क्या करती थी? Would you sit in the dressing room or stay in hotel? मैं ड्रेसिंग रूम में जाती थी मैच देखने, या ग्राउंड पे जाती थी? ग्राउंड पे जाती थी। ड्रेसिंग रूम में तो प्लेयर्स के अलावा और कोई अलाउड नहीं होता है। या फिर मैं होटल रूम में बैठना ज़्यादा पसंद करती थी। सच बताऊँ, मुझे मैच देखने में इतना मज़ा नहीं आता था, बोरिंग लगता था, और अगर ग्राउंड पे जाओ तो दिखता नहीं था, समझ भी नहीं आती थी। सिर्फ इतना समझ आती थी कि इन्होंने विकेट लिए और इतने रन्स चाहिए या जो भी चाहिए। और आई वुड प्रेफर, मैं होटल रूम में ज़्यादा पसंद करती थी बैठना, और ये रिलैक्स करना ज़्यादा पसंद करती थी। इनको मैं बोलता था भाई मैच पर आओ, मैच देखो, वो करो, बोलती थी भाई। मैं रूम के अंदर आराम से बच्चों के साथ रहती थी और सो जाती थी, और जितना मैच इनकी बॉलिंग देखनी होती थी वो देखती थी, और ज़्यादातर तो ये इनकी विकेट के ऊपर ही ध्यान लगा रहता था, तो बाहर शॉपिंग करने भी नहीं जाती थी ज़्यादातर के। और मैं बैठ के दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा ये पढ़ रही होती थी कि विकेट मिले, क्योंकि अगर इनका बैट डे है तो फिर हमारा भी साथ में बैट डे हो जाता था। इसलिए ज़्यादातर ध्यान इनकी विकेट में ही लगा रहता था, तो बाहर भी नहीं जाती थी और रूम में रिलैक्स पसंद करती थी। और हमारा याद है कि जब मैं इंग्लैंड में था, जो है काउंटी खेल रहा था, जब हम अर्ली डेज से हमारा पहला मेरा पहला सीज़न ही था, तो हमारा जो ग्राउंड था वो जो हमें फ्लैट दिया गया था, तो बिल्कुल उसकी बैल्कनी ऐसी थी कि ग्राउंड के साथ अटैच थी, चिपकी हुई थी, तो इसको ग्राउंड आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे तो ग्राउंड आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। शाम में कभी आ जाए वो करने, लेकिन वहाँ खड़े होके ही ये अक्सर वो जो है मैच देखती थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के। जी हाँ बिल्कुल, और इसी तरह से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन भिजवाए करें, और आप लोग के डेफिनेटली मैसेज आएंगे कि आज हम कहाँ बैठे हुए हैं। बेसिकली आज हम KPI में बैठे हुए। KPI इज़ अ कराची पारसी इंस्टीट्यूट, जगह है ये, इट्स अ वेरी ओल्ड प्लेस, वेरी वेरी ओल्ड प्लेस, और ये वो जगह है जहाँ पर लेट हनीफ मोहम्मद द ग्रेट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान स्कोर्ड इन इज फर्स्ट क्लास गेम 400 रन्स। तो ये वो जगह है, और इसका जो बैकग्राउंड है, और ये पीछे बैक इसके ग्राउंड है जहाँ मैचेस होते हैं, क्रिकेट का ग्राउंड है। आप भी तो यहाँ बचपन में? जी हाँ, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। हमारी जो है, मैं आपको बताऊँ कि जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ पर मेरे जो अनिल दलपत थे, उनके फादर दलपत सोनावरिया, उनकी टीम होती थी पाक हिंदुस के नाम से, तो यहाँ पर अक्सर खेलते थे हम लोग। लेकिन मैं छोटा था तो मुझे खिलाते नहीं थे, तो मैं ये आप जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो वो है ड्रेसिंग रूम है, वहाँ बैठ के काफ़ी रोता था कि यार मुझे भी कभी खिला दिया करो। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जो है फिर खेलना शुरू किया। लेकिन इस ग्राउंड से बड़ी यादें हैं, बिकॉज यहाँ से मैंने अपनी अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू की। सीमेंट पर खेलते थे, लेकिन ये टफ विकेट है, और यहाँ से मुझे वो प्लेयर्स के साथ में खेला जिन्होंने उस टाइम पर अच्छी क्रिकेट खेली थी, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल रहे थे, मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। तो एज अ यंगस्टर्स के लिए मैं बात करूंगा कि अगर आप यंग, जब आप मैचेस में जाते हैं, अगर आपको टीम नहीं खिलाती है, उसको बिल्कुल बिल्कुल भी नेगेटिवली ना लें। क्योंकि अक्सर बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो उसको नेगेटिव ले लेते हैं, यार मुझे खिलाया नहीं, उसकी पर्ची थी, उसने बोल दिया। ऐसा नहीं होता है, आपकी मेहनत, अगर आप खेल भी नहीं रहे ना, तो आप ऐसा टीम मैन बन के दिखाए कि टीम वाले को लगे कि यार ये खेल नहीं रहा है, लेकिन ही इज़ अ टीम मैन। आप 12th मैन है, 13th मैन है, आप काम करें, स्कोर बोर्ड लगाए, स्कोरिंग करना सीखें, उसके बाद प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर रखें फोकस, कि कोई ऐसी गलती हो कि मैच के बाद जब कोच या कप्तान डिस्कशन कर रहा हो तो वहाँ उनको आप बता सकें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी से सीखने को मिलता है बहुत सारी चीज़। क्वेश्चंस हमें भिजवाते रहिएगा, और साथ में आप लोग के कमेंट्स में एडवाइजेस भी दीजिएगा कि हमें किस तरीके से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने की और आप लोग के रिक्वेस्ट को पूरा करने की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा।